नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम गैलापागोस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज गैलापागोस, वेयर इज लोकेशन, हाउ मेनी आइलैंड ईयर, व्हाट इज डार्विन आर्क। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, गैलापागोस। अब गैलापागोस की स्थिति को थोड़ा देखते हैं। जो गैलापागोस है वो दक्षिण अमेरिका, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, और इस दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर देश है। कौन सा देश है? इक्वेडोर। इक्वेडोर इस इक्वेडोर के उत्तर पश्चिम में स्थित है गैलापागोस। और इस गैलापागोस की यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है और उत्तर से दक्षिण में 90 डिग्री की देशांतरीय रेखा, जिसको हम 90 डिग्री पश्चिम देशांतरीय रेखा कहते हैं। कितनी अच्छी इसकी भौगोलिक और जलवायु स्थिति बनती है यहाँ पे। अब जो ये द्वीप है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी द्वीपों से निर्मित श्रृंखला है। इन द्वीपों में क्या है? ज्वालामुखी द्वीपों से निर्मित श्रृंखला है। और कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जो गैलापागोस द्वीप है, ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इन दोनों के बीच में स्थित है, दोनों गोलार्धों में। यानी हम ये कह रहे हैं कि विषुवत रेखा इन गैलापागोस द्वीपों में से होकर गुजरती है। उत्तर और दक्षिणी दोनों अक्षांश में इनका विस्तार पाया जाता है। विषुवत रेखा के गुजरने से यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट बन जाता है। 90 डिग्री की पश्चिम देशांतर का उत्तर से दक्षिण में पास हो रही है। और ये जो द्वीप श्रृंखला देख सकते हो, ये सभी गैलापागोस है। तो हम ये कह सकते हैं जो गैलापागोस है वो क्या, एक तरीके से एक स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। और इस द्वीप की सबसे पहले खोज यूरोपियन द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है इसाइबेला। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? इसाइबेला है। और हम देखेंगे कि इसके दक्षिण में इसाइस्पानाला, दक्षिण में इसाइस्पानाला और उत्तर में इसापिंटो नाम से द्वीप स्थित है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ए चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, ए चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड दैट सिट इन द पैसिफिक ओशन अबाउट 500 माइल्स ऑफ द कोस्ट इक्वेडर। यानी इक्वेडर से कितनी दूरी पर? 500 मील की दूरी पर स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह। या हम ये कह सकते हैं कि 60,000 वर्ग किलोमीटर में इनका फैलाव पाया जाता है। टोटल एरिया आज 66 जो 1000 किलोमीटर, उसको हम कितना कहेंगे? 60,000 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गई। दिस आइलैंड फेमस फॉर यूनिक इकोसिस्टम, यहाँ के विशेष पारिस्थितिक तंत्र, एंडेमिक एनिमल्स और स्थानीय वन्य जीव के लिए भी फेमस है। इसाइबेला इज लार्गेस्ट आइलैंड, हाईएस्ट पीक ऑफ वोलन वुल्फ है। और यहाँ पे 13 मेजर आइलैंड है और 6 छोटे द्वीप पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं टोटल 19 द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा 120 छोटे द्वीप और पाए जाते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज स्पेनिश है। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ये टर्टल आपको नजर आ रहा है, ये क्या? ये टर्टल ही इस द्वीप की एक विशेषता भी कह सकते हैं। और इस द्वीप का नाम इसे टर्टल के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि गैलापागोस, हमने कहा किस प्रकार का शब्द है गैलापागोस, गैलापागोस जिसको हम कहते हैं, गैलापागो भी कह सकते हैं, गैलापागो, ये एक तरीके से स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश। और स्पेनिश शब्द का जो अर्थ होता है इसमें, उसका नाम होता है काटी। यानी ये जो कछुआ है, इसकी जो ऊपर काटी इस तरीके से, तो यहाँ गैलापागोस कछुआ पाया जाता है जिसका कवच एक पुरानी स्पेनिश काटी जैसा लगता है, इसलिए इस द्वीप का नाम गैलापागोस नाम पड़ गया है। थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, गैलापागोस में कितने सुंदर एनिमल्स पाए जाते हैं। और इन कुछ एनिमल्स का नाम, गैलापागोस टर्टल हो गया, गैलापागोस फुल स्केल हो गया, गैलापागोस पेंगुइन हो गया। यानी इन सभी अधिकतर स्थानीय जो जीव है, इनके नाम गैलापागोस आइलैंड के नाम पर ही रख दिए गए। और इनकी एक विशेषता होने के कारण यहाँ पे द्वीपों पे इनका विशेष आवास
विशेष विशेषता देखने को मिलती है जो यहाँ के इकोसिस्टम को, यहाँ के आइलैंड को एक विशेषता प्रदान करते हैं। जो इक्वेडोर है उसने 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया और 1978 में यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया गैलापागो। क्या ध्यान रखना है कि 1978 में यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया गैलापागोस, और 1935 में क्या हुआ था कि 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभ्यारण्य किसने घोषित किया था, इक्वेडोर ने घोषित कर दिया था। तो कितनी अच्छी बात है, और यहाँ की यूनिक इकोसिस्टम और एंडेमिक एनिमल्स के लिए तो गैलापागोस विश्व में या पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो गैलापागोस है इसकी खोज किसने की, खोज यूरोपियन लोगों के द्वारा 1535 में स्पेनिश कहाँ पहुँचे, इस गैलापागोस आइलैंड में पहुँचे थे। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और 1832 में इक्वेडोर ने, यानी जो दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वेडोर, उसने इन्हें वापस अपने पास मिला लिया या इन द्वीपों को वापस ले लिया। और सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन। उन्होंने इन सभी गैलापागोस आइलैंड की स्टडी की, और उन्होंने उनका जो सिद्धांत था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या हम ये कह सकें उन्होंने एक बुक लिखी थी 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन सबके पीछे इस गैलापागोस आइलैंड का एक बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं, कि क्योंकि यहाँ पे इन द्वीपों की स्टडी करने पर इन्होंने यहाँ पे जीव विज्ञान और भूविज्ञान का काफ़ी गहन अध्ययन किया, और यहाँ पे रहने वाले जीवों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर अपने सर्वाइव करने के लिए जो भी उन्होंने प्रकृति के द्वारा अपने आप को सर्वाइव किया और प्रकृति में अपने आप को संरक्षित किया, प्रकृति के अनुकूल रहने के लिए उन्होंने यहाँ की जलवायु के अनुकूल किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को डाला, उन सभी की स्टडी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी गैलापागोस आइलैंड पर रहकर। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ की जीव विज्ञान की जीवीय स्थिति को और भूविज्ञान स्थिति को दोनों के आधार पर इस चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे अपने सिद्धांत का अध्ययन किया था। और जो मार्की बर्ड्स होता है, यहाँ पर मार्की बर्ड्स का अध्ययन किया, जिसे अब डार्विन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कितना एक विशेषता रखता है गैलापागोस, कि चार्ल्स डार्विन ने भी इस गैलापागोस आइलैंड का अध्ययन किया, और आज भी ये द्वीप जीव विज्ञानियों के लिए दिलचस्प है। क्या है, जीव विज्ञानियों के लिए एक दिलचस्प है, और यहाँ की प्रसिद्धि क्यों है, यहाँ के स्थानिक वन्य जीवों के लिए ये प्रसिद्धि है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, अभी हाल ही में ये जो प्राकृतिक पुल आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या सकते हैं, प्राकृतिक पुल भी कह सकते हैं। प्राकृतिक पुल या प्राकृतिक मेराब ये चर्चा में रही है। और ये जो प्राकृतिक पुल नेचुरल आर्क है, इस द्वीप का नाम किसके नाम पे रखा गया, डार्विन के नाम पे रखा गया। इस कारण से इसको डार्विन आर्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डार्विन आर्क या डार्विन मेहराब के नाम से भी जानते हैं। ये जो पत्थर की मशहूर आपको आर्क नजर आ रही है, हाल ही में क्या पत्थर की मशहूर विश्व प्रसिद्ध संरचना डार्विन आर्क कटाव के कारण या अपरदन के कारण या जल भर जाने के कारण, इसमें क्या हो गया, इसमें जल भर जाने के, अपरदन आदि हो जाने के कारण ये क्या हो गई, ये धस गई। यानी ये जो मेहराब नजर आ रहा है, ये टूट गया। देखते हैं इसकी स्थिति, देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड का 1835 में यहाँ पे जो स्टडी की थी, डार्विन के बारे में ये द्वीप और डार्विन की प्रसिद्धि भी
यहीं से बनती है। डार्विन सेल फ्रॉम द इंग्लैंड टू साउथ, यानी डार्विन की रवाना हुए कहाँ से, इंग्लैंड से साउथ अमेरिका एंड देन टू द गैलापागोस आइलैंड, और गैलापागोस आइलैंड में गए। डार्विन कंपेयर द स्पेसीज ही ऑब्जर्व इन साउथ अमेरिका टू द स्पेसीज द गैलापागोस, उन्होंने यहाँ पर इस गैलापागोस और दक्षिणी अमेरिका के जो जीव हुए उनके बारे में स्टडी की। द डिफरेंस बिटवीन सच सिमिलर स्पेसीज अमेज्ड हिम, इनको यहाँ की जो जीव या यहाँ की जो सिमिलर जो स्पीसीज है, स्पीसीज है प्रजातियाँ, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे हैरान किया। आल्सो विद द आइलैंड ऑफ द गैलापागोस देयर वाज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज एंड डिफरेंस हैबिटेट, यानी यहाँ की डिफरेंस स्पीसीज और डिफरेंस हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्टडी की और अपने सिद्धांत को बनाने में इस गैलापागोस की स्टडी के साथ अपने सिद्धांत को भी उजागर किया। और जो प्रकृति का जो चयन का सिद्धांत है या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, उसमें इस गैलापागोस आइलैंड के आधार पर काफ़ी विशेषता दी गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी स्टडी की वो गैलापागोस आइलैंड में रहकर की, और गैलापागोस आइलैंड की इकोसिस्टम और यहाँ पर रहने वाले जीव भूगोल या यहाँ की जीव विज्ञान के बारे में स्टडी के आधार पर अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। हम बात कर रहे थे जो मेहराब थी वो टूट गई थी, जिसका नाम चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स आर के नाम से देखते वो मेहराब जो वर्तमान में टूट गई वो कैसी नजर आई कि देखिए। ये जो मेहराब थी, ये जो हम कह रहे थे, ये ऊपर का भाग क्या हुआ, अपरदन के कारण टूट गया। और ये जो मलबा नज़र आ रहा है, ये टूटा हुआ भाग ये कि एक सागर में एक बहुत बड़ी नेचुरल आर्क थी जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती थी। पत्थर की मशहूर विश्व प्रसिद्ध संरचना क्या थी, जिसे हम डार्विन आर्क के नाम से भी जानते हैं, वो क्या, उसमें अपरदन होने के कारण या कटाव होने के कारण जल भर गया और ये नीचे ध्वस्त हो गई। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि जो समुद्री तरंगों के द्वारा समुद्र में जिस प्रकार से नेचुरल डैम या प्राकृतिक पुल पाए जाते हैं, वो क्या है, वो कठोर और कोमल चट्टानों के हो जाने के कारण, यानी जो कठोर भाग था वो तो स्थिर रह गया और जो धीरे धीरे कटाव गया जो भाग क्या हो गया, स्मूथ हो गया, और ये स्मूथ होने के बाद नीचे टूट गया। इट मीन्स ये टोपोग्राफी की संरचना भी कर देती। अभी क्या बन गए, अभी दो पिल्लर रह गए, जिसको हम स्टेक भी कह सकते हैं, पिल्लर रह गए जिनको हम स्टेक भी कह सकते हैं। तो ये क्या, ये दुनिया में एक मशहूर थी, टूरिस्ट जो यहाँ पे आते थे उनके लिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव, काफ़ी दर्शनीय स्थल के रूप में, काफ़ी रोचक के रूप में ये जो मेहराब बना हुआ था, जो अब ये टूट गया, तो प्राकृतिक मेहराब है जो वर्तमान में टूट गया है। इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में रहा। जो कहाँ पर स्थित है, ये गैलापागोस द्वीपों का ही एक समूह है, जहाँ पर इस प्राकृतिक मेहराब का नाम डार्विन आर्क रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज आपको बताया कि कहाँ की गैलापागोस कहाँ पर स्थित है। ये इक्वेटर यानी दक्षिणी अमेरिका के इक्वेटर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और किसी प्रकार की कमी नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर करना ना भूले। धन्यवाद।